अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो चलिए जी जल्दी से इनको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, आपको वेट बिल्कुल नहीं कराते। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्टेप्स के, बोर्जन के और स्टाइलो के शूज़ मैंने किस किस प्राइस पर किस किस तरह से लिए हैं। और चलिए जी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी सबसे पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं बोर्जन के शूज़ को और देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये अपनी कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ बोर्जन की। मुझे बहुत पसंद आया था और डोंट वरी, ये मैंने शूज़ सेल से लिए हैं, बिल्कुल सेल से लिए हैं। और ये जूता तकरीबन था उस टाइम 38,000-4,000 का, जो कि मुझे सेल पे जस्ट 2,000 का मिला है। और ये बहुत ज़बरदस्त, ये देखें बिल्कुल बोर्जन का, और ये मुझे स्टाइल बहुत पसंद है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहन के भी दिखाया है तो यकीनन आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा। बिल्कुल इसकी लुक मेरे पाँव में इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे वैसे भी फ्लैट पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो हाइट है वो वैसे भी बहुत अच्छी है और मुझे फ्लैट बहुत पसंद है। तो आप भी जल्दी से जाएं बोर्जन की शॉप पे और वहाँ सेल से ये जूता आप बाय कर सकते हैं, जिसकी कीमत 4 से टोटल 2,000 पे आ गई हुई है। ठीक है, और ये देखें ये जूता मेरा फेवरेट है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया। चले जी चलते हैं दूसरे शूज की तरफ। चलिए जी अब बारी है शू नंबर 2 की, जो कि है स्टाइलो का, और ये भी मेरा बहुत फेवरेट शू है। आपको दिखाते हैं खोल के ये कैसा होने वाला है, और साथ ही मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगी। साथ ही मैं आपको ये बताती चलूं कि ये इतने ज़बरदस्त शूज़ हैं, और ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत ज़बरदस्त बहुत प्यारी कलेक्शन जो मैंने लेके रखी हुई है आप लोगों को मैंने दिखानी है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ठीक है। ये तो स्टार्ट में हल्का फुल्का मैं दिखा रही हूँ, आगे आगे देखें होता है क्या। तो ये देखें ये शूज़ भी स्टाइलो का है, जो कि मैंने सेल से ही लिया है। ये देखें ये पाँव में पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो ये शूज़ भी इसी तरह मुझे जो है वो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, इसकी प्राइस थी अभी के लिहाज से, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ही इसको जो है वो ऑर्डर किया था, तो इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 5,500 थी। और ये मुझे अभी 11,11 की सेल पे काफ़ी कम प्राइस में मिल गई है, और इसकी ये तकरीबन मुझे 2,430 में मिला है, और इसकी प्राइस बहुत रिजनेबल है। आप लोग जाएं स्टाइलो पे और अच्छा सा जूता लें और बिल्कुल ऐसे ही ख़रीदें। ठीक है, ये जूता है जैसे कि आपने मेरा पहनावा भी देख लिया है और मेरे दिल के बहुत करीब है ये जूता। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चले जी चलते हैं थर्ड जूते की तरफ। जी तो आ जाते हैं शू नंबर 3 पे। डस्ट इसके ऊपर पड़ी हुई है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये मंगवा रही थी और मैं वेट कर रही थी कि कैब कब बहुत सारे शूज़ इकट्ठे हैं और फिर मैं इकट्ठे ही आप लोगों को इसका रिव्यू दूँ। ठीक है, तो चले जी शूज़ नंबर 3 के। ओ माई गॉड, नहीं ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे लग रहा है कि ये वैसा ही है जैसा मुझे पसंद आया था। ठीक है, और ये बिल्कुल खुस्सा है, जो कि मेरी एक मैंने ड्रेस बनवाया है खुद ही, उसके साथ बिल्कुल जा रहा था। और ये बाय गॉड ये मुझे साथ का ही मिल गया, एग्जैक्टली वैसा ही। और ये मेरे शूज़ के साथ बिल्कुल, मेरे उस सूट के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था फ्रॉक के साथ, और ये इतना खूबसूरत है। ये स्टेप्स की शॉप से मैंने शूज़ लिया है और ये तकरीबन 3,000 इसका काफ़ी इसका ख़राब हुआ है नीचे से, और ये मैंने 3,000-3,500 में शूज़ लिया था। लेकिन इनकी स्टेप्स की कमाल बात यह है कि ये मुझे 3,500 में ही मिला है। मेरे पास एक और शूज़ है वो भी मुझे 3,500 में मिला है, लेकिन इनकी कमाल बात यह है कि जब आप 3,500-3,500 के दो जोड़े भी ले लेते हैं, या 3,000-3,500 के, या 2,000-2,000 के, 2,500-2,500 के भी दो जोड़े लेते हैं, तो इसके साथ आपको एक जोड़ा फ्री मिलता है। जी हाँ बिल्कुल फ्री। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। अभी मैं आपको फैंसी दिखा रही हूँ, साथ में आपको दूसरे वाले भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत क्यूट हैं। ठीक है, तो ये खुस्सा है जो कि पाँव में पहना हुआ आपको भी नजर आ रहा है कि कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा तो दिल ले गया वाला खुस्सा, सही बात है, बहुत जबरदस्त है। चलिए जी इसको भी रख देते हैं हम अंदर और आते हैं शू नंबर 4 की तरफ। हाँ तो आ गए हैं शू नंबर 4 के ऊपर, और ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत जोड़ा है मेरा शूज़ का कि आप देखकर दंग रहने वाले। ये मेरा फेवरेट है, और जब मैं आपको ये पहन के दिखाऊंगी तो फिर तो आप कहेंगे कि उफ ये कहाँ से खरीदा है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। जी हाँ, मैं स्टेप से खरीदा है। फिर बताती चलूँ कि इनके थोड़े से रेट मुझे हाई लगे थे, 3,500-3,500 तक, 4,000-4,000 तक इनके शूज़ थे, लेकिन इनकी मजे की बात यह है कि आप एक खरीदें आपको दूसरा खरीदें और तीसरा आपको इसके ऊपर फ्री मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन से वाला शू है। ठीक है, ये देखें, वाओ मेरा बहुत फेवरेट है, देखा होगा आपने, मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत ही आराम से चीज़ें चूज करती हूँ और उनको फिर खरीदती हूँ और फिर वेयर भी करती हूँ। ठीक है, ये भी स्टेप्स का जूता है और देख सकते हैं इसके ऊपर ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, ये भी 3,500 का था और ये बहुत खूबसूरत जोड़ा था, लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप इस तरह का 3,500 का, आप इसका सोल देखें इनकी, मैंने इसको ट्राई किया था, ये बहुत अच्छा जूता है और कंफर्टेबल है, चलने में बहुत अच्छा है। स्टेप्स के जूतों की ये बात है कि चलने में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही, कोई मैं किसी की तरफ से मैंने कोई वो नहीं लिया हुआ कि जी हम मैं किसी शूज़ की जो है वो करूँ, जो सच है वो सच।
है, ठीक है। और वो इस तरह, और जिस तरह के आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वैसे भी देख रहे हैं कि मुझे पहना हुआ कितना खूबसूरत लगे मेरे पाओ में, ऐसा सूट किया है। क्योंकि आपको साथ ये बताती चलूं कि मेरे पाओं में वो जो जिसको हम लकब कहते हैं या व्हाटएवर जो भी कहते हैं, ठीक है, तो मेरा पाऊं बिल्कुल चपटा है, सीधा पाऊं है, तो मुझे वैसे भी जूता बहुत देखभाल के लेना पड़ता है, अदरवाइज मुझे जूते सूट नहीं करते। और ये मेरा दिल का बहुत करीब सूट है, बहुत जबरदस्त सूट नहीं है, शू है, और ये बहुत प्यारा है। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सा जूता अच्छा लग रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट जूते की तरफ। चलिए जी, अब ओपन करते हैं हमारा शू नंबर 5। काउंटिंग भूली हूँ मैं, आप लोगों को मुझे बताना है कि ये शू नंबर कौन सा वाला है। तो चलें जी, इसको भी ओपन करते हैं, ठीक है। इसके साथ ये हुआ ये कि ये मेट्रो का शूज है, लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो बॉक्स था वो इतना ज्यादा डैमेज हुआ हुआ था, इतना ज्यादा खराब था कि इसको मुझे चेंज करना पड़ा। फिर मैंने इसमें रखा हुआ था, लेकिन वेट करी थी कि कब जो है मैं इसको ऐसे फेंक नहीं सकती थी, इतना शॉपर में रख सकती थी, तो मैंने डब्बा चेंज कर लिया और मेरी अम्मा साहिबा उन्होंने डब्बा इसका असली वाला चुक के बाहर फेंक दिया। तो चलें जी, ये वाला ओपन करते हैं और मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इसका ये देखिए, ये मेट्रो का शूज है और ये भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, ये भी मुझे सेल पे मिल गया था। तो चलें जी, ये है शूज, ये मुझे सेल पे मिल गया है, लेकिन सही बताऊं मुझे इसकी प्राइस नहीं आती, मुझे नहीं पता इसकी प्राइस क्या है, मुझे क्यों भूल गई है, सॉरी। ओके चलेंगे जी, तो ये शूज भी बहुत प्यारा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि पाँव में पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा है, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो चले, इसका हो गया। चलिए जी, नंबरिंग तो मुझे भूल गई है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये है आई थिंक शू नंबर 6 है, और इसको भी हम आई थिंक 7 है। और चलिए जी, इसकी भी तो दिखाते हैं, ये भी स्टाइलो का जूता है, और ये क्या है मुझे खुद भी याद नहीं है कि ये क्या है, तो ये देखें जरा। ये मैंने स्टाइलो से जूता लिया था, ये भी ऑफ पे मिला है मुझे, ये भी बहुत खूबसूरत जूता, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, कितना प्यारा कितना एलिगेंट है, और ये बिल्कुल भी घर में नॉर्मल कैजुअल यूज के लिए है कि आप घर में जो है वो कैजुअल पहन सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ स्टिकर था उतरा है यहाँ से, व्हाटएवर। तो ये भी इतना खूबसूरत जूता है, ठीक है, बहुत प्यारा जूता है, पाँव में पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है, और स्टाइलो का भी है, और बहुत एलिगेंट है। और सबसे बड़ी बात कि ये भी मुझे सेल से मिला है, ये आई थिंक इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितनी थी, लेकिन ये मुझे 2200 में मिला था। ये जूता भी बहुत अच्छा है घर में, जो घर में जो है वो नॉर्मल वेयर के लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो चलिए जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट जूते की तरफ। आप मुझे बताना है ना कमेंट सेक्शन में कि जूता सबसे अच्छा आप लोगों को कौन सा लगा। आ जाए अगले जूते की तरफ, जिसकी भी एक और कहानी है, और वो कहानी ये है कि मुझे नहीं पता कि इसका बॉक्स किधर गया है और अम्मा ने किधर किया है, और मुझे ये भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने जो है वो ये किस ब्रांड से मंगवाया था, ठीक है, और इसका शायद फटा हुआ था। तो गाइज, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सा, ये देखें ये कौन सा वाला ब्रांड है, ये आप लोगों ने बताना है। मस्टर्ड कलर मेरा फेवरेट है, ठीक है, और जूता जो है वो मुझे बहुत 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 पसंद है, और मस्टर्ड कलर तो वैसे ही सबका फेवरेट होता है, और मेरे पाँव में पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पाँव में शूज़ जो है वो इतने ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, या हर आपको बहुत चूज करके जूता लेना पड़ता है, पड़ता है, तो आप इस तरह का कलर जरूर करके देखें, ये कलर बहुत अच्छा है और ये सूट भी बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। ये भी मुझे एग्जैक्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि ये कहां से मैंने लिया, कितने का लिया, ठीक है, और इसका ये आपने मुझे बताना है कि किस चीज कहाँ का वो है, लोगो है, और किस ब्रांड का ये शूज है, ठीक है। और चलें जी नेक्स्ट, चलते हैं अपने नेक्स्ट शूज की तरफ, और ये है सैंडल कैजुअल वेयर। और मैं बता आपको ये रही थी कि जितना हमें फैंसी शूज की जरूरत होती है, जितना हम कहते हैं कि यार शादियों पे या आगे पीछे फंक्शंस पे फैंसी शूज जो है वो पहना हुआ प्यारा लगता है, उसके साथ साथ ही हमें अपने हेल्थ की भी बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। हमारे जो जितना अच्छा कहते हैं, जितना अच्छा शू हम पहनेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी जो है वो वॉक होगी, हमारा स्टाइल होगा, हमारी ड्रेस नजर आएगी। तो इसलिए मैंने इस तरह के सैंडल्स लिए हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मेरे पाँव में मेरा पाँव चपटा है, तो जिसकी वजह से मेरे पाँव में मेहराब नहीं बनता, वो जो इसको ये वाली शेप कहते हैं वो वाला नहीं बनता, तो जो है वो मुझे इस तरह के शूज लेने पड़ते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इसका सोल है, स्टेप्स वाले कहते हैं कि हम मेडिकेटेड बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि कितना प्यारा पाँव में पहना हुआ लग रहा था, इतना डिसेंट, इतना प्यारा, इतना एलिगेंट है ये। और इसकी भी प्राइस वही एज इट इज, आई थिंक इसकी भी प्राइस 3500 थी और 35000 थी, 3500 थी। और इसी तरह ये शूज लिया था, इसके साथ मैंने एक और सैंडल लिया था, और इसके साथ फिर मुझे ब्लैक वाला शू फ्री में मिला था, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका स्टाइल है, इतना प्यारा जूता, इतना इसका, और इतना सॉफ्ट है, पहनने में बिल्कुल भी आपको अंदाजा ही नहीं होता कि यार आपने पाँव में कुछ ऐसी चीज पहनी हुई है जो आपको चलने नहीं दे रही। मुझे पाँव में जो है वो पेन बहुत ज्यादा रहती है, और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा मसला रहता है, तो ये उस हिसाब से बहुत प्यारे, बहुत एलिगेंट शूज है। आ जाए ना अगले 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 पे आ जाए, अगले वाले शूज पे आ जाए। ये भी बहुत प्यारा जूता है, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सैंडल और वो वाले सैंडल मैंने एक साथ लिए थे। इन दोनों के बाद मुझे वो ब्लैक वाला जो उससे सैंडल आपने पहले देखा है, जो कि स्क्रीन पे मेंशन भी हो रहा है, ये वाला शू मुझे इसके फ्री मिला था। तो स्टेप्स की शॉप पे जल्दी से जाए और शूज ले लें, ठीक है। इनमें जो है वो इनका वो साइज नहीं था, हालांकि मेरा 39 साइज है, लेकिन इसमें साइज नहीं था, तो मुझे मजबूरी से फिर यही लेना पड़ा। ये भी मेरा फेवरेट है, वो भी मेरा, वो मैंने लिया था, ये फिर मुझे मैंने लिया, और उसके बाद जो है वो एक मुझे इस पर फ्री मिल गया।
किया, तो ये बड़ी जबरदस्त और बड़े मजे की चीज थी। ठीक है, और ये देखें, ये जिस तरह के पहनावा आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है कि कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा डिसेंट, और साथ ही आपको जो है वो चलने में भी कोई मसला नहीं होता। जी, ये आ गया आखिरी वाला शू, और ये बिल्कुल कैजुअल वेयर है आई थिंक, और ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। इसी तरह ये स्टेप से लिया मैंने, और इसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मुझे फिर वही जब आप दो जोड़े जो हैं वो 3500 या 3000 में लेते हैं, तो एक जोड़ा जब आपको फ्री मिल जाता है तो आपके दोनों तीनों जोड़ों की प्राइस जो है वो काफ़ी लेवल तक आ जाती है, तो बात तो वहीं पहुँच जाती है। और ये जूता भी बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट, और ये घर में कैजुअल वेयर के लिए मैंने ख़रीदा है, और इसका भी आप देख सकते हैं कि ये स्टेप से मैंने बाय किया है। आप भी जल्दी से जाएँ, अगर आप लोगों को मेरी शू की कलेक्शन पसंद आई है तो आप जल्दी से जाएँ, जल्दी से जाएँ और जाके आप एज इट इज शूज जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है कि कितने डिसेंट और पाँव में पहने हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में जो चार चांद लगते हैं ना, उसकी तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरा कौन सा शू बहुत ज्यादा पसंद आया। ठीक है, और वेट करना है आप लोगों ने, आप लोगों ने मुझे बताना है, देन मैं अगली अपनी जो नेक्स्ट कलेक्शन मैंने करनी है अपनी शूज की वो भी मैं करूंगी, और इंशाल्लाह ताला आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बड़ी और दमदार मज़ेदार सी जो है वो शॉपिंग हॉल में लाने वाली हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मवाज़ जो है मेरे पास इकट्ठा हो चुका हुआ है, और वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। इंशाल्लाह होने वाली है वो वीडियो आज, मेरे ख्याल में जब आप देख रहे हैं तो वो वीडियो भी शायद अपलोड होगी, तो जल्दी से जाके देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।